नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो हमेशा से ही रोमांचिक फिल्मों और अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। एक्टर के पास कई फिल्मों के प्रोजेक्ट्स आते हैं, मगर नवाज को सिर्फ वही क्रिएटिव रोल्स करने में मजा आता है और वो ऐसी ही मूवीज का चुनाव करते हैं जिसमें उनको ज्यादा दिलचस्पी होती है। ऐसी ही नई फिल्म हड्डी का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसको लेकर लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कई फैंस ने इसे एपिक लुक बताया है, तो कईयों में से किसी एक को नवाज का ये लुक अर्चना पूरन सिंह जैसा लगा। हो सकता है कि आप भी एक झटके में धोखा खा जाएं और अर्चना समझ बैठे। वैसे नवाजुद्दीन के ट्रांसफॉर्मेशन की हर कोई तारीफ कर रहा है। हड्डी लुक देखकर सच में आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें एक्टर को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। गजब का ट्रांसफॉर्मेशन लिए एक्टर का मोशन पोस्टर काफी ग्लैम शैम होने के साथ साथ हेयर और मेकअप के साथ ग्रे कलर के गाउन में दिख रहे नवाज को पहचान पाना वाकई में मुश्किल हो रहा है। साथ ही उनके हाथ में खून लगा हुआ है और पास में खून से सना हुआ एक हथियार भी रखा है। ये फिल्म एक रिवेंज ड्रामा है। दरअसल कुछ टाइम पहले ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने इंस्टा अकाउंट से एक मोशन पोस्टर शेयर किया था और उनकी अगली फिल्म हड्डी का ये फर्स्ट लुक है। पोस्टर शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा था, Crime has never looked this good before. Hashtag हड्डी annoy revenge drama. आपको बता दें कि हड्डी एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में एक्टिंग की है। वाकई इस मोशन पोस्टर को देखकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। फिलहाल अभी इसकी शूटिंग चल रही है और अगले साल इसे रिलीज करने की तैयारी की जाएगी। जी स्टूडियो और आनंदिता स्टूडियोज मिलकर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और डायरेक्शन की जिम्मेदारी ली है अक्षत अजय शर्मा ने।